गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कक्षा 7 और कक्षा 8 में कॉमन है। वो 7 में भी है और 8 में भी है, लेकिन आगे जाकर के इनका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, 7वीं का अलग और 8वीं का अलग। प्राइमरी और बेसिक नॉलेज के लिए कक्षा 7 और कक्षा 8 दोनों के विद्यार्थी ध्यान देंगे और हमारा जो टॉपिक चालू होगा वो है आंकड़ों से संबंधित। कक्षा 7 एवं कक्षा 8 ये दोनों कक्षाएं शुरू में ध्यान देंगी, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट दोनों के सेम है, यहां तक कि नवी में भी काफी कुछ चीजें काम आएंगी। ये वाली आंकड़ों का संग्रहण या प्रबंधन, आंकड़ों का प्रबंधन संग्रहण निरूपण संकलन, ये सभी टॉपिक किसी न किसी क्लास में पढ़े जाएंगे। ठीक, कक्षा 7 में जो हमारा टॉप प्रश्नावली का नाम है वो है आंकड़ों का प्रबंधन, और कक्षा 8 में भी यही नाम है। तो मुख्य रूप से हम अध्ययन करेंगे आंकड़ों के प्रबंधन का, बाद में संकलन निरूपण और संग्रह, ये जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे पढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले आंकड़े, आंकड़े किसे कहते हैं ये पढ़ लीजिए। आंकड़े, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डाटा। आंकड़े को डाटा, और बहुवचन हो तो डाटा। दैनिक जीवन में विभिन्न सूचनाएं हम लोग महसूस करते हैं, देखते हैं और समझते हैं। दैनिक जीवन में घटने वाली विभिन्न घटनाओं, प्रेक्षणों एवं अनुभवों के आधार पर जो सूचनाएं हम देखते हैं, महसूस करते हैं या इकट्ठा करते हैं, उसको गणितीय अंकों के रूप में निरूपित करना आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। विभिन्न सूचनाओं को अंकों के रूप में व्यक्त करना आंकड़े है। विभिन्न सूचनाओं का अंकों के रूप में रूपांतरण आंकड़े है। तो जैसे तो ये लिखेंगे हम विभिन्न सार गर्भित, उनका मतलब निकालना चाहिए, सार गर्भित सूचनाओं का गणितीय अंकों के रूप में व्यक्त करना आंकड़ों का प्रबंधन है। सूच
संख्यात्मक मान सूचनाओं का यह संख्यात्मक मान ही आंकड़े हैं। ठीक, जैसे एक सप्ताह के वार बोलो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, रविवार। सप्ताह में ये सात बार है, आई बार समझ में? सप्ताह के इन वारों को मैंने लिखा, सोमवार को मान लीजिए नई दिल्ली का तापमान अधिकतम 32 डिग्री और न्यूनतम 14 डिग्री था, मंगलवार को 32 और 13, बुधवार को 25, मान लीजिए बारिश होगी तापमान गिर गया और 9 डिग्री, बृहस्पतिवार को 27 डिग्री अधिकतम 10 डिग्री न्यूनतम, शुक्रवार को 29 और 10, शनिवार को 30 और 11 और रविवार को 30 और 11। तापमान से संबंधित ये सूचनाएं ही आंकड़े कहलाती हैं। आई बात समझ में? प्रथम टेस्ट में पूर्णांक थे 10। कितने नंबर का टेस्ट हुआ? 10। किसी विद्यार्थी के हिंदी में आए प्राप्तांक 8, अंग्रेजी में आए 9, गणित में आए 10, विज्ञान में आए 10, संस्कृत में आए 9 और एसएस सामाजिक विज्ञान में आए 8। विषयवार विद्यार्थी के ये अंक ही आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़े निरूपित करने के तरीकों के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे जैसे जैसे टॉपिक आता जाएगा। फिलहाल तो ये समझिए कि आंकड़े होते क्या है। मान लीजिए स्कूल में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा हुई, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2020 हुई, इसके पूर्णांक थे 100 और सब बच्चों को रोल नंबर अलॉट कर दिए गए। रोल नंबर 1 के आए 67 नंबर, 2 के आए 83 नंबर, 3 के आए 37 नंबर, 4 के आए 98 नंबर, 5 के आए 61 नंबर, रोल नंबर 6 75 नंबर, रोल नंबर 7 87 नंबर, रोल नंबर 8 92 नंबर, रोल नंबर 9 99 नंबर, रोल नंबर 10 100 नंबर। शुरू के 10 बच्चों के ऐसे ऐसे ही पूरे अन्य बच्चों के नंबर आ गए।
ये आंकड़े हैं। क्या है? आंकड़े। 100 नंबर में से किस बच्चे को कितने अंक मिले, इनको हमने इकट्ठा किया। मान लीजिए आपके कॉलोनी में मकान नंबर 1/1 से शुरू होकर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10। ऐसे ही ये तो है मकान नंबर 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20। ऐसे ही आगे है, समझ में आ गया। अब आपसे कहा जाए कि आप एक सर्वे कीजिए, कौन से घर में कितने बच्चे हैं 5 वर्ष से कम आयु। आपने कहा 1/1 में 1, इसमें 2, इसमें कोई नहीं, 1 2, 1 1 2 2, कोई नहीं। ऐसे ही 1 2 1, कोई नहीं कोई नहीं, 1 1 2 2 2, ऐसे, ठीक है। यहां पर मान लो एक बच्चा बहुत छोटा है तो ठीक। इनको भी आंकड़े कहा जाता है। आंकड़े अब आपके समझ में आ गए होंगे। अब मान लीजिए मैंने कहा कि आपकी कॉलोनी में 500 मकान है। मकान का नंबर कहां से शुरू है? 1 से 500 तक मान लीजिए। अब आपको बच्चों का डाटा इकट्ठा करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं। क्या क्या तरीके हैं? पहले तो मकानों के नंबर लिखते जाओ और उनके आगे बच्चों की संख्या। जैसे 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2, 2 2 1 1 1 0 1 1 2 2, 0 1 2 2 1 1 0 1 0 1 1। ये तो मैंने 30 का लिखा है। मान लो 500 मकान है तो आपने लिख लिया। अब इन आंकड़ों को कैसे निरूपित किए? ये तो हो गए यथा आंकड़े, जैसा हमने कलेक्शन किया वैसे आंकड़े हो गए, ये हो गए यथा आंकड़े। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रॉ डाटा। अब इसकी सारणी बनाते हैं, ठीक। सारणी ऐसे बनाई, मान लीजिए इन 30 बच्चों का ही करता हूं मैं, बच्चों की संख्या। अब इनको कैसे गिनेंगे भाई? 0 है, 1 है, 2 है, और 2 से अधिक कोई है तो, जैसे मान लीजिए यहां 3 है तो आप लिख देंगे 3। 3 से अधिक कोई नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। अब आप सारणी कैसे बनाएंगे? 0, अब देखो यहां चले जा तो यह कि एक एक आंकड़े को लिखते जाओ। 1, 1 के आगे एक डंडा लगाओ, इसको बोलते हैं मिलान चिन्ह, टैली मार्क। तो भूले नहीं, मिलान कर रहे, और बार बार आना, कोई भी आंकड़े का बार बार आना यानी कि बारंबारता, बारंबार अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एफ से लिखते हैं। पहले क्या आया? 1, फिर क्या आया? 2, फिर क्या आया? 1, फिर क्या आया? 0, फिर क्या आया? 1, डंडे खींचते जाओ, फिर आया 2, फिर आया 1,
फिर आया एक, अब देखो चार हो गए, पांच का फिर ऐसे काट दो इसको, पांचवे से काट दो। फिर आया एक, अब थोड़ी दूरी पर लिखे, फिर आया दो, फिर आया दो, फिर आया दो, काट दो, फिर एक 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 शून्य, ये शून्य, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, फिर दो, शून्य, एक, दो, दो, एक, तीन, एक, शून्य, एक, एक। देखो ये कितने हो गए, चार, पांच दिया पंद्रह और एक सोलह, ऐसे गिनने में आसानी होती है। अगर डंडे डंडे करे जाए तो यहां गिनना पड़ेगा, तो पांच पांच का बंडल बना लिया, पैकेट बना लिया, ठीक है। सोलह, ये हो गया नौ और ये हो गया एक, इन सब का टोटल तीस होना चाहिए, तो हमने सही आंकड़ों को व्यवस्थित किया है। आंकड़ों की सारणीबद्ध करना, आंकड़ों को सारणी में निरूपित करना बंटन कहलाता है। आंकड़ों की यह बारंबारता सारणी बारंबारता बंटन कहलाएगी, और जिसमें सभी की बारंबारता एक हो वो बंटन कहलाएगा। तो बंटन या बारंबारता बंटन आंकड़ों की एक सारणी है, सांख्यिकी के सूचनाओं की आंकड़ों की एक सारणी को बंटन कहते हैं। बंटन के प्रकार जैसे जैसे आगे की क्लासेज में आप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये आपके सामने आते जाएंगे। मिलान चिन्ह लिखने का क्या फायदा है, जैसे मान लीजिए आप एक शादी विवाह है आपके घर में और वहां पांच तरह की मिठाई बनी, लड्डू, बर्फी, बालूशाही, विदा के लिए मान लीजिए मट्ठी और एक और काजू कतली। हलवाई ने गलती से सभी मिठाइयों को मिक्सअप कर दिया, अब आप क्या करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे, लड्डू का अलग ढेर, बर्फी का अलग, बालूशाही का अलग, मठरी का अलग और इसका अलग, फिर इनको काउंटिंग करने के लिए अलग अलग पैकेट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए 100-100 लड्डुओं को एक एक थाल में रख दिया, 100-100 बर्फियों को एक एक थाल में रखा, 100-100 बालूशाहियों को एक एक थाल में रखा, तो ये कहलाता है मिलान चिन्ह। इससे पता लगता है काउंटिंग करने में आसानी होती है। हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो वोटों की गिनती भी ऐसे ही होती है। मान लीजिए आठ पार्टियां खड़ी हुई, पहली पार्टी को जैसे जैसे वोट काउंट, आजकल तो ईवीएम चल गया, पहले जो फिजिकल वोटिंग होती थी मतपत्र से, उसमें मतपत्र की 50-50 की या 100-100 के बंडल, 50-50 के बंडल बना लेते थे और बाद में बंडलों की संख्या काउंट करके हम लोग ये ज्ञात कर लेते थे कि अमुक प्रत्याशी को इतने वोट मिले और खुले वोटों को ऐड कर दिया जाता था। मान लीजिए 10-10 लड्डुओं के 20 डब्बे हैं तो आपके पास टोटल कितने लड्डू हो गए, 200, तो 10 तो हो गया संख्या, 20 हो गई उनकी, 10 हो गई क्वांटिटी और 20 हो गए उसके संख्या। मिलान चिन्ह से आंकड़ों को निरूपित करने में बहुत आसानी होती है। जैसे मान लीजिए कक्षा में विद्यार्थियों के नंबर आए, पांच नंबर का टेस्ट है, 2-3-5-5-1-0, 2-3-4-5-5-5-4-4-3-2-1-1-0-5-5, इस तरह से विद्यार्थियों के नंबर आए। अब आप सारणी कैसे बनाएंगे, यहां लिखेंगे प्राप्तांक 0-1-2-3-4-5। अब आगे बढ़ते जाएंगे,
या लिखेंगे मिलान चिन्ह। इससे सुविधा होती है कि आंकड़ों में गलती नहीं होती और यहां आ जाएगी बारंबार। सबसे पहले दो के आगे, फिर तीन के आगे, फिर पांच के आगे, फिर पांच के आगे, फिर एक के आगे, समझ गए ना, और पांच पांच का बंडल बनाते जाएंगे। टैली चिन्ह में यानी कि मिलान चिन्ह द्वारा सारणी बनाने तक मैंने आपको बता दिया है। अब है आंकड़ों का निरूपण। आंकड़ों का निरूपण आलेखीय रूप में किया जाता है और आलेख सांख्यिकी में निम्न प्रकार के हैं। जैसे जैसे आपके टॉपिक आते जाएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा। चित्रालेख, दूसरा दंडालेख, इसमें एकल दंड एवं द्विदंड, तीसरा आयत लेखा चित्र, चौथा बारंबारता बहुभुज और पांचवा वृत्तीय आलेख। जैसे जैसे आपकी क्लास में आपकी बुक में टॉपिक आते जाएंगे मैं आपको समझाता जाऊंगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। आज आप मिलान चिन्ह द्वारा सारणी बनाना, डाटा क्या होते हैं, रॉ डाटा क्या होते हैं, यथा आंकड़े आंकड़े इनके बारे में पढ़ के आएंगे, समझ के आएंगे, बाकी कर रहे हैं। थैंक यू।